नमस्कार, मैं उस पहल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। मूर्ति कलाकार कोरोना के मार से हुए बेरोजगार। जनपद सरवस्ती से मूर्ति कलाकार चंद्र प्रकाश पटेल नगर कस्बा इकोना का है। साईं मंदिर के सामने आए मूर्ति कलाकार यूं मजदूरों के साथ माता दुर्गा की प्रतिमा यूं गणेश भगवान की मूर्ति का कलाकारों ने लगभग 6 माह से निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारियों ने रोक लगा दी गई है, जिससे हमारे पास बाहर से आए मूर्ति कलाकार यूं 10-15 मजदूर के साथ 5 लाख के लागत से बनाया गया है। जिससे बाहर से आए मूर्ति व कलाकार यूं मजदूरों के लगभग 30 आदमियों की संख्या बेरोजगार हो गई है। और वहीं जोगिंदर पटवा ने बताया कि 20 मजदूरों के साथ बनाए जा रहे मूर्ति के रूप न देने से हमारे परिवार के भरण पोषण रुक गया है। हम लोग इस प्रकार निर्भर हुए कि और हम लोग कोई व्यापार नहीं करते हैं। जोगिंदर कार्यक्रम हम लोग चलते रहे, लेकिन वहाँ भी मेला वगैरह आदि सब बंद पड़ा है, इसलिए हमारे पूरी तरह से व्यापार ठप हो गया है। सरकार हमारे व्यापारों को लेकर मेरे परिवार रोजी रोटी के संबंध में विचार करें। यूपी लाइव 100 न्यूज से भुजाओ हां की स्पेशल रिपोर्ट। और जो है साईं बाबा मंदिर के पास जो हम लोग मूर्ति बनाते थे, और ये जो इतनी मूर्तियां हम लोग ने 6 माह से मेहनत करके बनाया है। इतनी मूर्तियां लगभग 90 मूर्ति माता जी की है और 3-4 मूर्ति गणेश जी के। अभी ऑर्डर भी आ रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा जो है और सरकार के द्वारा जो है हमको रुकवा दिया गया है। काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों रुकवा दिया? अब यही लॉकडाउन कोरोना के चलते है जो है रुकवा दिया गया है कि जो है मूर्ति ना लगती जाए, कुछ ना लगती जाए, भीड़ ना इकट्ठा हो, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है रुकवा दिया गया है। और हम लोग क्या करें, और जो है इतना रुपया हम लोगों ने भर्ती लगा दिया है, और जो है लगभग 10-12 कारीगर जो है कलकत्ता से आते थे, वहाँ यहाँ से जो है 4-5 लेबर, उनका भी जो है परिवार इसी से चलता था हम लोगों का।